आशुतोष शशांक शेखरा चंद्रमौली चिदंबरा कोटि कोटि प्रणाम शंभु कोटि नमन दिगंबरा। यहाँ आज भी भगवान शंकर अपने होने का प्रमाण देंगे। यहाँ आज भी पाताल लोक तक जाने वाली गुफाएं मिलेंगी। यहीं आपको भगवान शंकर की तपोस्थली मिलेगी। यहीं आपको शिवलिंग के ऊपर गिरती हुई पानी की बूंदें दिखाई और सुनाई देंगी। आइए दोस्तों चलते हैं पाताल रुद्रेश्वर गुफा, जिसकी खोज सन 1993 में हुई थी। तो पूरे पहाड़ देखे कैसे कटे हुए हैं, और भैया रुद्रेश्वर गुफा कोई बोला 6 किलोमीटर, कोई बोला 3 किलोमीटर, लेकिन इतना पता है कि बारसी गांव हमने पहुंचा है और ये रोड बारसी। का मुझे बहुत अच्छा लगा, जितना भी चलो भाई ना, व्यू ही व्यू नजर आ रहे हैं, व्यूज ही व्यू। चंपावत से 80 किलोमीटर दूर स्थित है गुरुद्वारा रीठा साहब, और वहाँ से 9 किलोमीटर दूर स्थित है यह भगवान शंकर को समर्पित रुद्रेश्वर महादेव की गुफाएं। फिलहाल पार्टी से 3-5 किलोमीटर पहले रीठा साहब जाने के लिए रास्ता, उसी गेट से आप सीधा अंदर घुस जाएंगे और यहाँ पर एक खूबसूरत व्यू पॉइंट बना था। देखिए सड़क मार के देखे कितना खूबसूरत है, और आपको दिखाते हैं इस तरफ को, और इतना अच्छा खूबसूरत इधर व्यू पॉइंट है। तो निकाल लेते हैं हमारी गाड़ी की चाबी और दिखाते हैं आपको व्यू पॉइंट। चंपावत लोहाघाट के इस बेल्ट के खूबसूरत विलेजेस को देखते हुए हम पहुंचे रीठा साहब गुरुद्वारा, और रीठा साहब गुरुद्वारे से नज़दीक ही पड़ता है वारसी विलेज, जहाँ पर स्थित है यह पाताल रुद्रेश्वर गुफा। सो रीठा साहब की ब्लॉग देखना चाहते हैं तो आपको इस तरह का थंबनेल हमारे चैनल पर मिलेगा। ये आया रीठा साहब से और ये वापस गया लोहाघाट की तरफ, और यहाँ से ये जो रोड बन रहा है ये जा रहा है बारसी की तरफ। तो आप कभी भी रीठा साहब आते हैं, रीठा साहब से ठीक ऊपर लगभग 3 किलोमीटर ये गोल सर्किल पड़ रहा है, और इस सर्किल के बाद आप सीधा जा सकते हैं रुद्रेश्वर महादेव गुफा की तरफ। फिलहाल स्कूटी से जा रहा हूँ मैं, और हाथ में ही पकड़ा मैंने कैमरा। तो ये रोड बन रही है और आई होप कि ये रोड जल्दी बन जाए। तो जा रहे हैं हम रुद्रेश्वर महादेव गुफा की तरफ, जिसकी खोज 92 में हुई थी। बाकी उसकी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मुझे पता है, वो मैं आपको बताऊंगा मंदिर पहुंचने के बाद। तो रीठा साहब से लगभग 3 किलोमीटर ऊपर आके आपको ये सड़क मार्ग मिलेगा। भाई रोड की कंडीशन खराब है पूरा, भैया ऑफ रोडिंग हो रखा है इधर खतरनाक वाला। तो देखो रोड बन रही है जिसकी वजह से पूरे पहाड़ कटे हुए हैं। तो पूरे पहाड़ देखिए कैसे कटे हुए हैं, और भैया रुद्रेश्वर गुफा कोई बोला 6 किलोमीटर, कोई बोला 3 किलोमीटर, लेकिन इतना पता है कि बारसी गांव हमने पहुंचना है और ये रोड बारसी गांव के लिए ही गया हुआ है। लेकिन पूरा का पूरा रोड ऐसे ही है, बीच में पत्थरों को काटकर कुछ बजरी सी बिछाई गई है रोड़ा जैसा, वो ज्यादा डेंजर है भाई। तो अभी आए थे हम आरसी गांव, और ये पहला मंदिर मिला है, लेकिन हमें इस मंदिर तक नहीं जाना, हमें जाना ऊपर रुद्रेश्वर महाराज मंदिर। लेकिन गांव का ये बहुत ही खूबसूरत मंदिर, अगर आप आते हैं तो भाई वो रोड की कंडीशन बहुत खराब, पूरी तरह ऑफ रोडिंग के साथ आना पड़ रहा है। मेरे पास तो है स्कूटी, लेकिन जैसे तैसे करके हम पहुँच गए, वैसे भी हम 2 बंदे थे। सो इसी वारसी गांव के बीचों बीच एक रास्ता बनाया हुआ है, और ये देखिए पाताल रुद्रेश्वर गुफा वारसी शिव आदित्य मंदिर रमक तक रूट निर्माण। तो भाई लगा दिया पार्किंग अपने अपनी शेरनी, सामने देख रहे हैं आप ये है रुद्रेश्वर गुफा। वीडियो में आपको दूर लग रहा होगा, ये सामने से छोटा सा ट्रैक जा रहा है, लेकिन बहुत दूर नहीं है, मुश्किल से 200 मीटर भी नहीं है, 150 मीटर होगा। और ये डामर की रोड है, ये देखिए ये रोड है, रोड से ही हम थोड़ा सा ही अंदर आए हैं, और यहाँ से सीधा आप रुद्रेश्वर गुफा महादेव मंदिर जा सकते हैं। तो बहुत नज़दीक है भाई, बारसी विलेज में जब आप एंटर करेंगे तो एक बड़ा सा मंदिर आएगा, मंदिर के साथ ही एक छोटा सा स्कूल आएगा, शायद प्राइमरी स्कूल है, वहीं पर से आप राइट साइड में ये देख सकते हैं। और चलते हैं ट्रैकिंग करते हुए
और पहुंचते हैं रुद्रेश्वर महादेव मंदिर, जिसके बारे में मैंने बहुत सुना है। पाताल भुवनेश्वर की तरह ही ये गुफा है, लेकिन इसकी खोज, चलो जब तक ट्रैक कर रहे हैं मैं थोड़ा सा स्टोरी बता देता हूँ, 92 में हुई थी। कहा जाता है कि इस गांव के ही खेलने वाले जो बच्चे, एक छोटा बच्चा था, या तो बिल्ली के पीछे या किसी बकरी के बच्चे के पीछे ढूंढते हुए इस गुफा के अंदर चला गया था। उससे पहले गांव वाले बहुत ज़्यादा चमगादड़ होने की वजह से इस गुफा के अंदर प्रवेश नहीं करते थे। जब वह बच्चा बकरी के मेमने के साथ बाहर निकला, तब कहा जाता है कि गांव वालों ने उससे पूछा, तो उसने अंदर बताया कि अंदर एक शिवलिंग है और उसके ऊपर पानी गिर रहा है। तो फिर गाँव के कुछ अन्य लोग गए और उन्होंने जाकर अंदर देखा, तो सेम उनको वही सब दिखाई दिया कि एक शिवलिंग है पत्थरनुमा प्राकृतिक, और उसके ऊपर पानी की बूंदें टपक रही हैं। तो इसे भगवान शिव का मंदिर ही समझा गया और इसका नामकरण किया गया रुद्रेश्वर महादेव मंदिर। उसके बाद गांव वालों ने विधिवत रूप से ढोल नगाड़े के साथ इस मंदिर का उद्घाटन किया गया। और जो ये मंदिर तो क्या है, ये तरह की केव है, गुफा है, और नीचे देख रहे हैं आप नदी से ठीक ऊपर, और रीठा साहब से इसकी डिस्टेंस टोटली लगभग 7 किलोमीटर है। तो आइए चलते हैं। पहला हमको बैरिकेड सी दिखने लग गई है इस रुद्रेश्वर मंदिर की। पिछले 2 साल से मैं इधर विजिट करना चाह रहा था, फर्स्ट टाइम मैं भी विजिट करने, और आप लोगों को भी साथ में विजिट करवा रहा हूँ। सो ये कहानी है 92-93, तो कहते हैं सन 1993 में इस गुफा की खोज हुई थी। तो आइए चलते हैं रुद्रेश्वर महादेव मंदिर तक। तो गुफा यहाँ के लिए रास्ता इधर से दिया है, बैरिकेड लगाया है, और ये जा रही है गुफा। वो देखिए भाई, वाओ, ये कुछ कुछ ऐसा लग रहा है जैसे हमारी अमरनाथ की गुफा, नहीं है सेम वैसे ही लग रहा ना अमरनाथ की गुफा। और बहुत खूबसूरत यहाँ फूल वूल लगाए हैं, देखते हैं कोई पंडित जी अंडित जी इधर मिलते हैं, कोई पुजारी जी इधर बैठे हों, हो सकता है। एक छोटा सा रूम भी बनाया है और उनसे थोड़ी जानकारी देंगे। बाबा जी के यहाँ वस्त्र दिख रहे हैं, अंदर कॉपी किताब रखी हुई है, तो मुझे लग रहा है कोई ना कोई इधर पुजारी जी हैं, लेकिन फिलहाल वो सोए होंगे तो उनको डिस्टर्ब नहीं करते हैं। तो ये रही पहली केव, और नीचे देखिए धुनी बनाई हुई है, और ये देखिए गुफा का स्वरूप, और मेन गुफा जहां हम प्रवेश करें। आइए मित्रों, हमारे साथ अनुभव कीजिए भगवान शंकर के गुफाओं के अंदर की इस अलौकिक शांति और शून्य को। तो बाबा ही करते हैं भाई रुद्रेश्वर महादेव मंदिर को, और मंदिर की जो छोटी सी स्टोरी थी वो तो मैंने आपको बता दी कि वो कैसे वो बच्चा अंदर चला गया एक बकरी के बच्चे को लेने, कैसे उसको उस मंदिर के अंदर ओम की ध्वनि सुनाई दी, ओम की ध्वनि, और भगवान शिव का जिस तरह अमरनाथ की गुफा के अंदर बर्फ से शिवलिंग बन जाता है स्वयं, वो उसी तरह इधर शिवलिंग के ऊपर पानी की गिरने की स्पष्ट आवाज आ रही, पानी गिर रहा है बूंद बूंद करके, टप टप टप, आप शांति के साथ उस आवाज का अनुभव कर सकते हैं। मुझे लग रहा था कि जैसे भगवान शंकर ने साक्षात इधर तपस्या की। सो ये था मेरे द्वारा बनाया गया रुद्रेश्वर महादेव मंदिर का ब्लॉग। ब्लॉग आपको कैसा लगा, और ये खूबसूरत वादियां भी है भाई साथ में, ब्लॉग आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। अपना सपोर्ट यूं ही बनाए रखिए,
स्टे ट्यून्ड शेखर और ट्रेवलर, और साथ में अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।